दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बात तो हम लगातार देख रहे हैं कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली हर एक फिल्म की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली हर एक फिल्म को लेकर यह जानकारी दी जा रही है कि भैया अगर यह फिल्म संदलवुड की फिल्म है तो भैया यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर कई सारे रिकॉर्ड ही बनाएगी। तो दोस्तों इन दिनों संदलवुड की आने वाली कई फिल्मों की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो भाई उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने वाला है वेदा के रूप में। यानी कि भैया वेदा का पहला लुक हम लोगों के सामने आ गया है, जिसके बारे में यह बात बताई गई है कि भैया बहुत जल्दी ही डॉक्टर शिवराज कुमार लेकर आएंगे अपनी 125वीं फिल्म को सिनेमाघर में। तो दोस्तों कैसा है वेदा का यह लुक, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि डॉक्टर शिवराज कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि वेदा से। दोस्तों आपको तो बताइए कि इन दिनों डॉक्टर शिवराज कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि बजरंगी 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भैया बहुत जल्दी ही सिनेमाघर में आने वाली है। यानी कि भैया जब से बजरंगी का लुक हम लोगों के सामने आया है भैया, उस लुक ने तो लोगों का दिल जीता है और उसके साथ ही उस फिल्म का काफी बज स्ट्रांग हो चुका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। भैया बजरंगी का इंतजार इन दिनों दर्शक बहुत ही बेताबी से कर रहे थे कि भैया इसी बीच में डॉक्टर शिवराज कुमार की आने वाली 125वीं फिल्म की घोषणा कर दी गई कि भैया उनकी आने वाली इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इनको डायरेक्ट करने वाले हैं ए हर्षा और भाई यह फिल्म जो है वेदा के नाम से सिनेमाघर में आएगी। दोस्तों अगर आप इस पोस्टर को देखोगे तो इसमें डॉक्टर शिवराज कुमार की दाढ़ियां बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं और भाई दाढ़ी पकी हुई है, यानी कि बहुत ही यूनिक लुक में नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर एक अलग तरह का तेज दिख रहा है। वो जिस तरीके से किसी को देख रहे हैं जैसे लगता है कि भैया कुछ धमाका करने की तैयारियों में वो जुट चुके हैं। दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक बात मैं आपको और बता दूं कि भैया इस फिल्म को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई है कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत आएगी या फिर ये फिल्म केवल कन्नड़ भाषा में आएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि ये फिल्म भी पैन इंडिया के तहत ऑल ओवर इंडिया में रिलीज हो, तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।